नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन रजिस्टर 7262 द्वारा पूर्व में शासन प्रशासन को सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर मांग पत्रों के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है, परंतु कोई निराकरण अथवा चर्चा नहीं हो सकी, जिस हेतु पुनः दिनांक 14 जुलाई 2024 को संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चरण सिंह टांग एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के प्रमुख महामंत्री श्री टीपी दास एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी एवं प्रदेश अध्यक्ष मगन झांझोट ने बैठक में चर्चा कर शासन प्रशासन को पुनः 14 सूत्री ज्ञापन प्रस्तुत कर निराकरण हेतु ध्यान आकर्षित करते हुए अवगत कराया कि यदि शीघ्र ही इन मांगों का निराकरण नहीं किया जाता है तो संगठन द्वारा आने वाले समय में उप आंदोलन किया जाएगा। राष्ट्रीय महामंत्री जय सिंह कछुआ जी, राष्ट्रीय महामंत्री लेबर एक्ट में है वो नहीं दी जाती है, तो चलिए भी हम लोगों ने आंदोलन के विषय में आज विस्तार किया है। सफाई मजदूर उसके बाद में जो इन्होंने अनुकंपा के जो नौकरियों की जो बात की, तो हमारा ये कहना है कि सफाई मजदूर घर में कितनी भी नौकरी होने उनके परिवार में अगर अनुकंपा की नौकरी मिलती है निकलती है तो उन्हें तो नौकरी का फायदा देना चाहिए, उन्हें उनके अस्तित्व को लेना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि महाराष्ट्र की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी सफाई मजदूरों जब रिटायरमेंट होती मेडिकली अनफिट होते या फिर वो मृत्यु हो जाते या फिर वो वॉलेंट्री रिटायरमेंट देते हैं तो उनके रिक्त पद पर उनके ही परिवारजन में से उनका जो नॉमिनेशन है उनको नौकरी का देने का प्रावधान बनाना चाहिए। उस तरीके का कानून ये मध्य प्रदेश की सरकार ने बनाना चाहिए। ये हमारा ये आज की इस बैठक के अंदर हमने ये प्रस्ताव भी लिया है, ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी हमने। मेरा नाम विकास पांडे, शहर अध्यक्ष जिला देवान। सर आज बैठक में क्या मुद्दों पर चर्चा हुई? आज हमारी जो बैठक है राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जनता के डाक के नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष जाप आज हमारे मदा तथा 14 सूत्री मांगों के लिए आज यह बैठक रखी गई है, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश के सभी तहसील जिला और नगरीय निकाय के जो अध्यक्ष हमारे सब उपस्थित हैं आज बैठक में। हमारा अगला जो भी कदम होगा वो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश झंझोट के नेतृत्व में होगा और कर्मचारी की मांगों के लिए पुरजोर विरोध करके हम सरकार के खिलाफ आगे कदम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर करेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार, ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।